नंदिनी पुलिस आई है, वो मेरा प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर अपलोड हुआ था ना, पुलिस उसी के बारे में चेक करने आई है। ये कह रहे हैं कि वो प्रोफाइल यहीं से अपलोड हुआ है। तू कुछ जानती है उस बारे में बेटा? एक्चुअली मैंने ही प्रोफाइल बनाई थी और मैट्रिमोनियल साइट पर भी मैंने ही डाला था। नंदिनी तूने क्या, तुझे क्यों मिला अपनी माँ को इस उम्र में शर्मिंदा करके, बोल। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा शादी करें और दोबारा हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। अरे निर्लज बेहाया, क्या बकरी है, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अपनी माँ की शादी करवाना चाहती है? अरे बेशरम, ये तो सोच कि समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, सब क्या कहेंगे। समझ गई मैं सब समझ गई, तेरा किया धरा हुआ है, तेरी पढ़ाई बोली बोली है, तेरी बेटी दादी इसी वाले मैं मरी क्यों नहीं गई, ये क्या अम्मा दादी दादी मम्मा ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा की फिर से शादी हो, वो खुश रहे। तू एकदम चुप हो जा, अभी के अभी जाकर ये बकवास डिलीट कर। मम्मा सुन रही कि नहीं, डिलीट कर जा। मेरी बेटी की वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बच्ची है ना, पता नहीं है उसे वो क्या चाहती है। मैं पुलिस स्टेशन आकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूँगी। आप लोगों ने मेरी जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए अपना, हम चलते हैं। चल संतू। तो ये दो तीन डिज़ाइन है कार्ड्स के लिए, हमें ना ये वाला बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सोबर और कुछ ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं, आपको कैसा लगा? अच्छा है। हाँ हमें भी यही अच्छा लगा। पता है हमने ना अम्मी से कहा था कि सिर्फ सगाई के लिए इस तरह का कार्ड वगैरह की तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत है, पर आप तो अम्मी को जानते हैं ना, जो सोच लेती है वो करके रहती है। वैसे इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, गोल्डन है, सिल्वर है, पर हमें तो अभी यही अच्छा लग रहा है। जो आपको ठीक लगे हसीना जी। आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है, हमें क्या हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है हसीना जी। नहीं पिछले कई दिनों से आप खोए खोए से, लॉस्ट, किसी और ही दुनिया में लग रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है ना कि एक ही प्रोफेशन में होने का ये नुकसान तो है, हम दोनों पुलिस वाले, हम दोनों जो है सच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हम दोनों चाहकर भी कभी एक दूसरे से झूठ नहीं कह पाएंगे। तो आपको लगता है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो। तो आप क्या करेंगे, हमारा लाइट डिटेक्टर टेस्ट? नहीं उसकी जरूरत आपको है, हम तो खुद चलते फिरते लाइट डिटेक्टर है, आंखों में देखकर बता सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। हमारी तरफ देखिए, अब हम जो सवाल करेंगे आप उनके सीधे सीधे जवाब देंगे आंखों में देखकर। क्या आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं? नहीं। झूठ? ठीक है, वो कुछ उलझने हैं काम के संबंधित, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल, काम से संबंधित जो उलझने हैं वो क्या बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब इतनी कि हमें आपकी फिक्र होनी चाहिए? नहीं। पीप पीप, झूठ। जी नहीं हसीना जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आपको फिक्र करनी चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है चलिए मान लेते हैं। अगला सवाल, आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ।
सही जवाब। आखिरी सवाल, आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? हमें लगता है कि हमारी सगाई के लिए ये कट सही रहेगा। सही जवाब। तो ये थी अब तक की अपडेट मैडम सर। शालिनी जाएंगी, अपना रिपोर्ट वापस लेंगी। दी एंड, केस खत्म। जयराम जी की। वैसे बहुत अच्छा हुआ, आप कोई केस नहीं है तो सगाई की तैयारियां बहुत अच्छे से होंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। नहीं नहीं करिश्मा से। नंदिनी तुम यहाँ? मैडम सर ये नंदिनी है, शालिनी जी की बेटी। हाय हेलो, आप यहाँ कैसे? मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? अब का हेल्प चाहिए? नहीं तुमने मान लिया ना, तुमने बनाया था फेक प्रोफाइल, तुम्हारी मम्मा ने भी माफी मांग ली, तो हो गया ये तो सॉल्व। वैसे तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, वो गलत था। कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया, और दोबारा मौका मिले तो फिर से करूंगी, बार बार करूंगी। जब तक मेरी मम्मा को वो सारी चीजें नहीं मिल जाती, वो लाइफ, वो खुशियाँ जो वो डिजर्व करती है, मैं ये करती रहूंगी। मैम मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मा खुश रहे, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे इसे कोई सही समझे या गलत। नंदिनी नंदिनी रिलैक्स, शुरू से शुरू करो। मैम मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा गुजर गए, तब से लेके आज तक मम्मा ने मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारियां पूरी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर आ गई थी। एक सेकंड के लिए भी ये फील नहीं होने दिया कि पापा हमारे साथ नहीं है। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है ना, उस उम्र में मम्मा ने पापा को खो दिया, और साथ में अपनी खुद की लाइफ भी। उनकी पूरी जिंदगी बस मेरे आसपास सिमट कर रह गई। मेरा करियर, मेरी खुशियाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये सब सोचते सोचते वो अपने लिए जीना भूल गए। जब मैं उनसे कहती थी ना कि कोई नए कपड़े पहन लो, तो पता क्या कहती थी? छोड़ना नंदिनी, क्या होगा, मुझे कौन देखेगा। जब अकेली होती है ना तो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती, कहती है छोड़ना, अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ मैं। पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिक, जो एक टाइम पर उनका पैशन हुआ करती थी, वो बस स्टोर रूम में पुरानी दीवारों के साथ उन्हें दीमक खा गई। और अब वो मेरी शादी कराना चाहती, पर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसे रहेंगी मम्मा, कौन रखेगा उनका ख्याल, किसके लिए जिएंगी वो। इसलिए मैंने सोचा है अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो मम्मा को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, फिर से एक बार किसी को अपना कर अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। कोई तो हो जो उनका अकेलापन दूर करके उन्हें जीने के लिए वजह दे, उनका साथ दे। मैंने सोच लिया है, जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो बोलना है बोले, मैं अपनी मम्मा की शादी करवा के रहूंगी, और जब तक मम्मा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। पर इस मामले में नंदिनी हम क्या मदद कर सकते हैं? मैम मैंने इस थाने के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ दिल की बातों को बड़े दिल से सुना जाता है, जिस प्रॉब्लम में जज्बात जुड़े हों उसका सॉल्यूशन भी जज्बात के साथ दिया जाता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी मम्मा की शादी फिर से करवा सकूँ। नंदिनी बैठो, आओ। नंदिनी हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, समझ ली है, लेकिन एज पुलिस हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये देखिए, ये वो लास्ट मैसेज है जो मम्मा का प्रोफाइल डिलीट करने से पहले उनके अकाउंट पे आई थी, और इस पे नीचे मैसेज भी है, शालू क्या सच में तुम ही हो? हाँ लेकिन कोई लफंडर भी तो हो सकता है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक मिनट, ये देखिए मैडम, ये फोटो 25 साल पुरानी है, मम्मा की फेवरेट बुक में से मिली है, और इसके पीछे कोट भी है, सच्चा दोस्त वही है जो तब भी साथ निभाए जब दुनिया साथ छोड़ दे। मैम मुझे ये लगता है कि यही वो इंसान है
जो मम्मा की लाइफ में खुशियां वापस ला सकते हैं। आप मेरी हेल्प कीजिए ना मम्मा को कन्विंस करने के लिए कि वो इनसे शादी कर ले। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी माँ की जिंदगी में फिर से वो खुशियां ला सकें और तुम्हें दिल का सुकून मिल सके। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे इसमें। मैडम सर, फाइल्स मिल गए। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? तुम्हारा केस तो सुलझ गया था ना? हाँ सुलझ गया था पुष्पा जी, लेकिन फिर से नंदिनी आई है, उनको मदद चाहिए। वो अपनी मम्मा की शादी कराना चाहती है जी, और मैडम सर इसमें उनका हेल्प करेंगे। हम सब इसमें उनकी मदद करेंगे। मैडम सर, ये भी कोई उम्र है इन सब चीजों के लिए? पुष्पा जी, आप फिर से उम्र वाली बात क्यों कह रही हैं? आप पहले भी कह चुकी हैं और तब भी हमने आपसे यही कहा था कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ मगर मैडम सर, हर चीज का एक वक्त होता है, एक सलीका होता है। पुष्पा जी देखिए, क्या है कि हम अब नंदिनी को प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम उसकी मदद करेंगे, तो हम उसकी मदद करेंगे। हम अपना वादा तोड़ नहीं सकते और इस काम में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। ऑर्डर नहीं है, गुजारिश है। मैडम सर, इसमें गुजारिश वाली क्या बात है, हम तो हर हाल में आप ही के साथ हैं। थैंक यू। नंदिनी एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये, क्या नाम बताया इनका? समीर जी। समीर जी, समीर जी शालिनी जी के लिए सही हैं, उन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि मैम शायद ये उन्हें पहले से जानते हैं, कॉलेज टाइम पे वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और इस वक्त मम्मा को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो दोस्त से बढ़कर हो उनके लिए, और मुझे लगता है कि यही वो इंसान है जो मम्मा के लिए दोस्त से बढ़कर एक साथी होंगे उनके लिए। हाँ नंदिनी, तुम्हारा बात एकदम सही है, लेकिन उनके दोस्ती को ना भी काफी वक्त हो गया है, तो उनके दोस्ती की क्या स्थिति अभी हमको नहीं पता ना। सिर्फ इस कारण कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के प्रोफाइल पे कमेंट कर दिया कि क्या ये तुम हो शालू, या तुम्हारी मम्मा के पुराने बुक में उनका फोटो मिल गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो आदमी तुम्हारी मम्मा के लिए एकदम करेक्ट है, एकदम सही आदमी है। क्या गारंटी है इस बात की कि वो अभी भी बिल्कुल सही इंसान है? तो कर लेते हैं गारंटी, परख लेते हैं कि ये इंसान करेक्ट है या नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि पछताने से सावधानी भली। समीर जी से कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है? उन्होंने मम्मा को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेल किया था। ग्रेट, तो फिर कीजिए उन्हें फोन और इनवाइट कीजिए। कहाँ मैडम सर? डेट पे। शालिनी जी की तरफ से मैसेज भेजिए समीर जी को कि वो उन्हें इनवाइट करना चाहती हैं डेट पे एक कॉफी हाउस में। वहां पर परखा जा सकता है कि ये जो समीर जी हैं वो तुम्हारी मम्मी की जिंदगी में हीरो बनकर आए हैं, साइड हीरो बनकर आए हैं, या फिर शायद कहानी में रहने लायक ही नहीं। इनफैक्ट हम खुद वहां जाकर। नहीं मैडम सर, आप तो कहीं नहीं जाएंगी, आप घर जाएंगी। आपकी सगाई की बहुत सारी तैयारियां बाकी है, मेहरबानी करके थोड़ा उधर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो अम्मी जो है वो हमको मार देंगी। हमारी जान बचाइए, आप घर पहुंचिए, ये मामला हम समझाते हैं। हम समझते हैं इसको। ठीक है। क्या आप श्योर हैं कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा? अम्मा हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। एक संतू, अब क्या रण सिंह का बजाय तुम्हारे लिए तब आओगी? आओ ना, इतना फुटेज खाए खा रही हूँ, जल्दी आओ ना। हाँ यहाँ पे बैठ सकती हूँ? Sorry, I'm waiting for somebody. Oh, no problem. अभी मैं इधर बैठ जाती हूँ। जैसे ही आपका सम्मन को इधर आ जाएगा, मैं उनको उधर भेज दूँगी। I'm kidding. जैसे आपके सम्मन आ जाएगा ना, मैं उधर चली जाएंगी, okay? तो क्या है ना, अकेले ईचिंग का हैबिट नहीं है, इसलिए। नहीं, हेलो हेलो हेलो, यानी यानी प्लीज, दिस प्लेस इज रिजर्व्ड फॉर समवन स्पेशल, और जो जगह स्पेशल होती है शेयर नहीं की जाती है, सो प्लीज।
वैसे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यहाँ इस वातावरण में तो वी कैन गो समवेयर एल्स. ओके देखो बेटी. बेटी? यस बेटी. मैं यहाँ ठीक हूँ. मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे. मुझे यहाँ से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तुम अपनी उम्र की कंपनी देखो. Whatever. हाँ बैठो. कहाँ जा रही हो? उन्होंने बेटा कहा ना तो. अरे तो इसका मतलब ये अच्छे इंसान है, जेन्युइन पर्सन है. हमें उनसे बात करनी चाहिए. अम्मा परीक्षा अभी बाकी है. अभी इतना ही प्रूव हुआ है कि उन्हें अपने से छोटी उम्र वाली लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है. पर ये तो प्रूव नहीं हुआ ना कि बाकी औरतों के साथ उनका क्या रवैया है. वो तो देखना है ना. अभी दूसरी हीरोइन की एंट्री होने दो, फिर देखते हैं. दूसरी हीरोइन? हम्म. मतलब हिंदी की चलचित्र अदाकारा, उच्च कोटि की प्रख्यात अभिनेत्री, अभिनय का तूफान, अदाकारी का जलजला और ओवर एक्टिंग जो है ना उसका सुनामी, हमारी प्यारी पुष्पा जी, वो अभी आ रही है. जी ये रुमाल शायद आपका गिरा. बहुत बहुत शुक्रिया. Well, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? नहीं पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है. सॉरी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले भी आपसे कभी मिल चुका हूँ. शायद पिछले जन्म में. Just joking. क्या कर रही है? ऐसे कौन बात करता है? अभी तो शुरू हुआ है. अभी आगे देखो. आपको देखते ही हमारे दिल की गहराइयों में से कहीं से एक आवाज आई कि ये तो हमारी पहली मुलाकात नहीं, ये कोई अजनबी, अनजाना, बेगाना, पंचनामा नहीं है. मतलब ये कोई गैर नहीं है, ये तो कोई अपना सा है जिसे हम कई जन्मों से जानते हैं. देखिए बहन जी, अब मैं यहां किसी खास का इंतजार कर रहा हूं जो बस अभी आने ही वाली है. सो प्लीज एक्सक्यूज मी. खास? मैम मुझे नहीं लगता कि अब इनको और आजमाने की जरूरत है. मैं उनसे बात करने जा रही हूँ. हाय. अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मेरा नाम नंदिनी है. मैं शालिनी शेखर की बेटी हूँ. एक्चुअली मैंने ही आपको बुलाया था मैसेज करके. ओके सो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो. शालिनी आई? शालिनी आई? ओके तो आप इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह हैं? जी. और नंदिनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को उनकी सेकेंड मैरिज के लिए कन्विंस करूं? राइट. कैसे? मतलब कैसे कर सकता हूं मैं ये? हो सकता है सर मिलकर बात की जा सकती है. आप काफी टाइम से उन्हें जानते हैं, आप काफी पुराने दोस्त हैं और एक जमाने में काफी करीबी दोस्त भी थे. उनसे मिलकर उनसे बातचीत कीजिए. उनको इतना कंफर्ट आप दे दीजिए कि वो अपना दिल का बात आपसे कर सके जैसे वो पहले करती होंगी आपसे. फिर मौका देख के हम भी उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में कितना फर्क होता है. और ये काम आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं सर. हाँ लेकिन प्लीज प्लीज एक बार कोशिश करके देख लीजिए. जी सर हम प्रयास कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. जी जी हम विषय की गंभीरता को समझते हैं. आ,
सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ में बैग था इसलिए हम नॉक नहीं कर पाए. अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए बैठिए. हाँ इट्स ओके, आप कर लीजिए. क्या? फोन आया था ना, आपका फोन चल रहा था, वो कट हो गया, कंप्लीट कर लीजिए. वैसे किसका फोन था? फोन कट नहीं गया था हसीना जी, हमने फोन काट दिया था क्योंकि बात खत्म हो गई थी. लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं कि हम किससे बात कर रहे थे? देखिए हसीना जी, ऐसा है कि हम डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, दिन में दर्जनों के फोन आते हैं, तो हम हर फोन का हिसाब आपको नहीं दे सकते ना. ओके रिलैक्स, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था. हमें तो आप बस थोड़े से परेशान लगे इसलिए हमने पूछ लिया. लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम आज के बाद कभी नहीं पूछेंगे कि आप किससे बात कर रहे थे. इट्स ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या, इसलिए आप इतने परेशान हैं? एक काम कीजिए, आप आइए बैठिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. आइए आइए, हम जो है आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं जो हमारी अम्मी ने की है सगाई के लिए. सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. क्योंकि हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे. तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे. तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए अनुभव सर, अब आप ये बताइए प्लीज कि आप क्यों इतने परेशान हैं? क्यों हमसे झगड़ा करने का मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या हो गया? नहीं हसीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हम परेशान हैं और ना ही हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए. बात दरअसल ये है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे और आप अचानक से आ गई, तो हमें लगा कि हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा बौखला गए और हमने फोन काट दिया. बस यही बात है हसीना जी. आर यू श्योर बस इतनी सी बात थी? हाँ हसीना जी, बस इतनी सी बात है. तो प्लीज प्लीज हमें कोई सरप्राइज मत दीजिए, हमें वैसे ही सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद. और हमारे प्रोफेशन में क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वैसे ही कम सरप्राइजेस मिलते हैं जो हम और एक दूसरे को सरप्राइज दें? इसलिए प्लीज कोई सरप्राइज मत दीजिए, हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है. ओके आइए बैठिए, हम आपको बची हुई शॉपिंग दिखाते हैं. हम श्योर, सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना आप हंसी रोक नहीं पाएंगे. अरे इतना टाइम हो गया, आई क्यों नहीं अभी तक? आना चाहिए था. तब तक क्या करे, प्रैक्टिस करते. बॉट्टी तुम मेरे से फ्लावर क्यों नहीं लेती? बॉट्टी बॉट्टी तुम चार मीनार का हाइट बया, हम चार फीट का हाइट बया, कोई बात का नहीं, तुम बैठ के हम खड़ा होके बात करता ना. बॉट्टी रुकना, बॉट्टी अपन तुमको अपना कलेजा देता है, तुम अपना कलेजा मेरे को देना. कौन मियाँ? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम अपना बिरयानी खाओ, हम अपना बिरयानी खाता, चलो मियाँ. मैं खिलाऊं बिरयानी तुम्हें? ये बिरयानी कैसी है? क्या कर रही हो? औरतों को छेड़ता है? एक्टिंग एक्टिंग करो, वीक निकल जाएगा. औरतों को छेड़ता है? रुको, ये रुको. क्यों? अच्छा चला, अब आओ चल. भाग गया,
समीर शालू पुष्पा जी चाय करिश्मा मैडम हाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आई आपके लिए बिल्लू जी झुंझुना है कि आदमी है कोई भी आके उनको बजा के चला जाता है और ये मारा पीटी वाला रोल आप हमेशा उन्हीं को क्यों देते हो तो बुरी तरीके से मारा समीर जी ने बिल्लू जी को देखो संतू दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता अब सुबह शाम वो हमारे थाने का राशन तोड़ता है थोड़ा बहुत तुड़ाई हो गया तो काफ फर्क पड़ता है सर और नहीं तो क्या आइए वैसे भी समीर जी को कहाँ पता था कि बिल्ला हमारा आदमी है छिछोरा लगता भी है और छिछोरा समझ के पीट दिया उसको तो आपने बताया क्यों नहीं समीर जी को कि बिल्लू जी तो अपने टीम वाले हैं अम्मा क्योंकि समीर जी को एक्टिंग नहीं आता है हमने कहा था ना मगर आपसे कि हम उनको अभिनय सिखाते हैं मगर ये नहीं मानी काम हो गया ना इसलिए नहीं बताए हम काम तो हो गया लेकिन एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही अब का संतु देखिए आपने तो कहा कि मैडम सर बेकार में इमोशनल हो रही नंदिनी को लेकर तो अब आप क्यों नंदिनी के साथ मिलकर समीर और शालिनी की शादी कराना चाहती हैं क्या ना संतु नंदिनी के अपनी माँ को लेकर जज्बे ने ना हमको नींद से जगा दिया है हम भूल ही गए थे कि हम भी किसी का बेटी है और हमारी भी एक माँ है और हमने उस माँ को भगवान का दर्जा देकर उस स्थान पर बिठा दिया है कि हम ये तो भूल ही गए कि आखिर में है तो वो भी एक इंसान ही ना हुँ? चलो संतु अभी यहाँ तो तुम्हारा काम हो गया तुम एक काम करो अब थाना में संभाल लूंगी आप टेंशन मत लो बिल्कुल संभाल लोगी तुम जय हिंद जय हिंद यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम सब ठीक है ना सब ठीक है तुम कैसे हो वैसे ही हूँ जैसा था बस थोड़े से दाढ़ी के बाल पक गए लेकिन लोग कहते हैं हैंडसम लगता हूँ पहले से मतलब सूट करते हैं मुझ पे बिल्कुल भी नहीं बदले तुम यहाँ कैसे आना हुआ क्लाइंट से मिलने आया था और तुम यहाँ पास ही किसी से मिलने आई थी तुम्हारी फैमिली कैसी है शादी नहीं की क्यों मतलब अभी तक क्यों नहीं की लंबी कहानी है कहीं चल के बैठते हैं कि कब कॉफी पीते हैं सारी डिटेल में कहानी सुना दूंगा ठीक है पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी थोड़ी देर भी चलेगा चले करिश्मा मैडम का आइडिया काम कर रहा है अब मम्मा जरूर दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी हमें क्या लग क्या हुआ ऐसे घूर काहे रही हैं आप पुष्पा जी हमारा ना आज आपसे बतियाने का मन कर रहा है मुद्दे पे आइए मुद्दा नहीं पुष्पा जी ऐसी हमारे मन में विचार आया कि सबको उनकी जिंदगी में जितना हक है खुशियों का वो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए है ना मतलब खुशियों का कोई उम्र तो नहीं होता है ना नहीं होता ना पुष्पा जी नहीं होती बस वही पुष्पा जी हम आपसे आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको खुशी देने वाला सुख दुख बांटने वाला अच्छा दोस्त एक अच्छा हमसफर जो आपको आपके हक की खुशियाँ दे सके अगर कभी आपको ऐसा जरूरत लगे ना पुष्पा जी तो आप बेझिझक बता दीजिएगा नहीं नहीं पुष्पा जी दुनिया समाज हम लल्ला क्या सोचेंगे आप बिल्कुल मत सोचिएगा क्योंकि ये आपका खुशी है और आप ही का पूरा हक है इस खुशी पर जहाँ तक लल्ला का सवाल है ना तो हम जानते हैं लल्ला ये बात सुनकर ना बहुत खुश होंगे आपके लिए और जहाँ तक हमारा बात है तो आपकी खुशी से बढ़कर ना पुष्पा जी हमारे लिए सच में कुछ नहीं है ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम आपकी खुशी के लिए समझ रही हैं आपको लगे ना जरूरत तो बता दीजिएगा मतलब बस आपका दिल क्या चाहता है हम ये सुनना चाहते हैं आप क्या चाहती हैं कभी तो आपने सोचा होगा ना पुष्पा जी बताइए हमको अपना दिल का बात आज हमें पता चला भोलेनाथ ने हमें बेटी क्यों नहीं दी क्योंकि अगर दी होती तो हम दुनिया को कैसे बता पाते
कि एक बहू जो होती है वो 100 बेटियों से बढ़कर होती है। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रही हैं। मगर हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। लल्ला के पापा के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल समय रहा, थोड़े समय के लिए बहुत अकेले भी पड़ गए थे हम, मगर फिर लल्ला की परवरिश में ऐसे खो गए ना, ऐसे उलझ गए कि फिर खुद के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और उसके बाद तो आप आ गई हमारे जीवन में। जब भी मन करता है आपसे बहुत लड़ लेते हैं, और जब भी कभी सोने का मन करता है आप ही को तकिया बनाकर सो लेते हैं। सब कुछ तो है हमारे पास बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। मगर ये जो नंदिनी की लड़ाई जो है ना, वो तुम जरूर जीतना, क्योंकि आजकल समाज को नंदिनी जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है। समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका साथ देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे पुष्पा जी, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप एक बार और सोच लो। नहीं मतलब लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए, और वो नवाबू तो आपके इंतजार में बैठे ही रहते हैं। नहीं मतलब अगर विचार बदलते हैं आपके तो बता दीजिए। बस कुछ भी बकैती किए जा रही हैं आप। अरे वो तो थाने के चक्कर में हम उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि थाना हमारा सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं है। करिश्मा मैम, हाँ आपको पता है मेरे मम्मा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। समीर जी और मम्मा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? मतलब काम हो रहा है, कहाँ है वो? मैंने उन्हें उसी कैफे की तरफ जाते हुए देखा। तो फिर हम भी कैफे जाके उनकी खुशियाँ देखते हैं। पुष्पा जी यहाँ तो काम हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, हम थाना संभालते हैं। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएस चला गया बिजनेस करने, और फिर काम में इतना बिजी हो गया कि शादी की उम्र निकल गई। अब सालों के बाद जब वापस इंडिया आया तो माँ पीछे पड़ी है, शादी कर लो। तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? 50 का हो गया शालू, तो घर बसाने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उम्र देखता है क्या कोई? वेल सेटल्ड हो, अच्छे दिखते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, एक अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी? हाँ कोई भी। तुम करोगी शादी? नहीं समीर, ये पॉसिबल नहीं है। इस उम्र में शादी करना एक भद्दा सा मजाक लगता है। अभी तो तुमने कहा था कि घर बसाने की, नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, तुम पे लागू नहीं होता ये। क्योंकि मैं एक औरत हूँ। आज भी एक मर्द और औरत के लिए सेम रूल्स नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। अपनी आंखों से देख लीजिए आई। तूला ढूंढा जा रहा है अपने लिए? अरे ये तो अच्छा हुआ हम समय रहते इनको फोन करके बुला लिए, वरना इन्हें तो पता ही नहीं चलता इनकी बहू कागुल खिला रही है। हम तो सोचे थे कि इसकी लड़की गलती से इसकी शादी का विज्ञापन डाल दी है, सब तो दिखावा था, यही मरी जा रही थी इस उम्र में शादी करने के लिए। जज कहीं की चल, 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 दादी दादी यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, लोग देख रहे हैं, जो बात करनी घर चल के करनी। अच्छा तू भी यहाँ है, तो तुम दोनों माँ बेटे की मिली भगत है? दादी क्या बोल रहे हो, कोई मिली भगत नहीं है। मेरी मम्मा को तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ है, मैंने इनको यहाँ बुलाया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे राम 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 राम,
ये नहीं बताती तो हमको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या गुल खिला रही है। मूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे बेहाया, समाज में इस बात का पता चला तो लोग तुझ पे थूतू करेंगे। थूतू चल यहाँ से, चल यहाँ से घर, चल 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 दादी, चल मेरे दादी, चल। हमें यकीन नहीं होता हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां इंसान ने इंसान से उसके जीने का बुनियादी हक छीन लिया। क्यों? सिर्फ अपने इस नकली गुरूर को पालने के लिए। मैडम सर आप लिख के ले लो, ये जो बुढ़िया है ना ये, माफ कीजिएगा गुस्से में हमारे लिए आपकी दादी के लिए और कुछ निकल नहीं रहा है। ये सारे फसाद का जड़ इनका दादी है, हम बता रहे हैं मैडम सर। मुझे लगता है कि उनकी उस उम्र को देखते हुए उनका ये रिएक्शन जेन्युइन है। लेकिन मैम बचपन से लेकर आज तक मेरे दादी को हमेशा मम्मा को सिर्फ ताने मारते हुए देखा है। हर चीज के लिए वो मम्मा को रिस्पॉन्सिबल मानती है। यहाँ तक कि पापा की मौत के लिए भी दादी ने मम्मा को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मम्मा ने तो दादी की हमेशा रिस्पेक्ट की है। उनकी सही गलत कोई भी कही हुई बात बिना ऑब्जेक्शन उठाए, बिना नानुकुर किए बस मानती रही है। अगर दादी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे मम्मा नाराज हो जाती है। दादी की कही हुई बात मम्मा के लिए पत्थर की लकीर है। इसका मतलब हमारी मेन प्रॉब्लम दादी ही है। उन्हें कन्विंस करना होगा सबसे पहले। इम्पॉसिबल मैम, कोई भी इम्पॉसिबल चीज इस दुनिया की पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दादी मम्मा की शादी के लिए मान जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। ना आप चिंता मत कीजिए, हमारे थाने में आज तक कोई ऐसा केस आया ही नहीं है जो सीधा साधा तरीके से सॉल्व हो जाए। हर केस आड़ा टेढ़ा आता है और इस थाने को ना वरदान मिला हुआ है संभव को संभव बनाना, तो आपके मामले में भी हम इस असंभव को संभव बना के रहेंगे। अरे तेरी माँ कहाँ गई है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है? काम पे गई है क्या? काम तो कल भी बहाना है, गई होगी अपने यार के साथ गुलछते उड़ाने। दादी प्लीज। का प्लीज? यही तो कर रही है वो, अपने खानदान का नाक कटवा रही है। अरे विधवा है तो विधवा के नियम कानून माने, नहीं फुदफुदा रही है। जिसने विधवाओं के नियम कायदे का पालन ना करके हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए। कहाँ है वो विधवा? कहाँ है वो औरत जो अपने साथ साथ हमो भी पाप का भागीदार बनाई रहत बा? अरे भाई आप लोग हैं कौन, कैसे हमारे घर में घुसा है? हम हैं दुलारी और हम रही राम प्यारी, बनारस से आए हैं हम भी। हाँ अंतरराष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं हम। हमारा काम है जो विधवा ना अपने पति के निधन के बाद विधवाओं के नियम का पालन नहीं करती ना उस पर नजर रखना। और हमें पक्की खबर मिली है कि इस घर में एक ही विधवा है जो दुराचार कर रही है। बहुत दुराचार। ये दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है। हे दर्दी मैया तू पड़ना, मैं तुझ में समा जाऊं। देख तेरी माँ क्या गुल खिला रही है, सबको पता चल गया है। दे देखिए जी, देखिए हम मानते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी कल मुही बहू से। आप लोग जो बोलेंगे, जो भी दंड उसके पाप का देंगे हम तो उसको, हम उससे प्रायश्चित करवाएंगे। आप हमें एक एक को बात नहीं बोलेंगे, हम आपको वचन देते हैं। बहुत फुदक रही थी ना तेरी माँ, देखना अब कैसा मजा आएगा। अब अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। माँ आप अनुराधा पोडवाल नहीं हैं? कौशल, आप अनुराधा कौशल नहीं हैं? हाँ तो वो तो हम ही आए। हाँ तो हम आप ही से मिलने आए हैं। हमरे लिए? हाँ, तुम विधवा नहीं हो का? हाँ तो इसके माँ भी तो विधवा है।
उसकी बारी बाद में आएगी। देखिए कहा है ना, आप हैं घर की बड़ी और आप हैं घर की पहली विधवा, तो अब आपकी बहू जो है वो आप ही को देखकर सीखेगी ना। इसलिए हम आपको सिखाने आए हैं कि विधवा जीवन में पति के निधन हो जाने के बाद किस तरह से सब मोह माया त्याग करके बस भगवान का नाम लेके सात्विक जीवन कैसे जीते हैं। अरे ओ दुलारी बहन, ये तो देखो रंगीन साड़ी। तुमको पता नहीं का, विधवा जो होती है ना वो सिर्फ सफेद रंग का साड़ी ही पहन सके है बा। और जितनी देर से बैठकर हमसे बतिया रही हो, सोफे पर बैठ के जमीन पर नहीं बैठ सकती। देखो पकोड़ा, पकोड़े मकोड़ से जा रहे भाई। ये विधवा होकर तीखा चटपटा खान पान शोभा नहीं लेते बाप। विधवाओं को तो एकदम उबला हुआ खाना खावट रही है। क्या बोल रही है आप लोग? वो देखो पान भी रखा हुआ है। पान? अब ये गुलकंद वाला पान? यही कान अटली है ये औरत। हटो जरा, हटो 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 हटो। ये देखो कान में बाली पहनी हुई है, हाथ में कंगन, माथे पे बिंदिया, बाल भी काली की है रहत। अरे देखो जूती भी पहन रखी है। मोबाइल, टीवी भी देखती है। बंद टीवी, बंद टीवी, बंद है ये सारी हरकतें, बंद है आज से सब कुछ, बंद। महापाप महापाप, सिर्फ संन्यास और भगवान का जाप। चलो चलो शुरू हो जाओ, सबसे पहले साड़ी बदले हैं। अब ई लगत बा हमो में से एक बा। नीक नीक खूब नीक, आओ 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 चल। बैठा, अरे बैठा, अरे बैठा, कहा, बैठा। कहा, अरे कहाँ भाग रही हैं? अरे तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? देखे नहीं, तू कुछ तो बोल। दादी मैं क्या बोलूँ बताओ, आप ही कहते थे ना कि विधवा लोग जो बोलते हैं जो कहते हैं वही करना चाहिए। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो आपकी जुबान खराब हो जाएगी। अरे मेरी जुबान की छोड़े, मेरी जिंदगी खराब करने में तूने। अरे अब कहा बताए, विधवा की तो जिंदगी होती खराब है ना। नहीं बहन, हाँ आज से आप एक खाएंगी। पत्ता खाएंगे? नहीं नहीं, आप पत्ता में खाना लेके खाना खाएगी। हाँ पानी तो पानी। अरे नहीं, अरे इका हाय भैया, ये देखो दुलारी बहन ठंडा पानी फ्रिज का। नहीं नहीं नहीं, तू ये पानी नहीं पी सकत हो, सादा पानी एकदम बिल्कुल ही सादा पानी। हाँ मगर उससे पहले एक जरूरी रस। चलिए भगवान का नाम लीजिए।